सरकार के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय भीम के कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के महासचिव श्री अवतार सिंह शास्त्री, मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सलाहकार श्री अमिताभ जी, प्रसिद्ध टीवी अभिनेता श्री सुमित बक्स जी, और आज इस गाथा का मंचन हो रहा है राष्ट्र शहीद, उसके लेखक तथा राजा इनिशिएटिव फाउंडेशन के संस्थापक श्री राकेश योगी जी, तथा इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य जन तथा मेरे युवा साथियों, राकेश योगी जी और अमित आर जी मुझे मिलने के लिए हरियाणा राजभवन में आए थे। ये बहुत बड़ी तो इन दोनों से बातचीत मैंने की, शहीद भगत सिंह का नाम सुन करके मना तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो देश की स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरणादायी जीवन हुए हैं प्रेरणा उन्हीं में से एक है। लेकिन अमित शाह राकेश योगी को देखकर मुझे लगा नहीं था कि कार्यक्रम इतना अच्छा होगा। मैंने दिल्ली में कई कार्यक्रम में भागीदारी की है, एक दिन में दिल्ली में 50 से 100 तक कार्यक्रम होते हैं, और आज तो अन्ना हजारे का भी एक आंदोलन रामलीला मैदान में चल रहा है, और इसलिए दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कार्यक्रम में 100 लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी विशेषता जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि यहां पर सफेद बाल वाले कम है, काले वाले वाले ज्यादा है। आज देश को जरूरत इन्हीं की है, और भारत शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने की और उनको ले जाने की जरूरत है, और इसलिए बड़ा सकारात्मक और उपयोगी कार्यक्रम लग रहा है। और तीसरी प्रसन्नता मुझे ये है कि यहाँ सिर्फ बेटे ही नहीं है, बेटियां भी काफी सारी हैं, और जब किसी समाज की किसी देश की बेटियां अपने पर उतर आती हैं तब फिर देश के उत्थान में कोई संख्या की गुंजाइश नहीं। आज ये शहीदी दिवस, जैसा ओम प्रकाश जी कह रहे थे, वास्तव में भावात्मक दृष्टि से, विचारात्मक दृष्टि से देश को मजबूत बनाने के लिए शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ओम प्रकाश जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन देश 1947 में राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ था, राजा बदला था, 565 जो देश में राजा थे उनसे दर्शन करा कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबका विलीनीकरण भारत में कर दिया, पर इतना ही काम हुआ,
देश सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि देश की जब स्वतंत्रता होती है तो सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, वो वैचारिक भी होती है, वो आइडियोलॉजिकल भी होती है, वो सांस्कृतिक भी होती है, वो आध्यात्मिक भी होती है, और वो अर्थ की दृष्टि से भी स्वावलंबन भी होती है। ये सारी स्वतंत्रता प्राप्त करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई चीजों में संयोग रहता है, बिना संयोग के कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि गांव में तो बड़ी मान्यता है कि लड़के और लड़की की शादी भी बिना सहयोग के नहीं होती। आप लाख कोशिश करें तो सहयोग की बात थी कि 21वीं शताब्दी जब आई तो देश करवट ले रहा है, सब तरह की स्वतंत्रताओं की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण शहीद भगत सिंह हो सकते हैं। आज हिसार के कुछ नौजवान मुझसे मिलने आए थे कि अपने के लिए चलने के पहले वो एक मांग कर रहे थे कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसका नाम शहीद भगत सिंह हो रहा है। लेकिन वो मांग का क्या कर रहे थे इस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मैं इस पर ध्यान दे रहा था कि जितने भी आए थे 35-40 सब नौजवान थे, तो इसलिए मुझे ये देख करके ये आकलन करके विचार करके अच्छा लग रहा था कि आज हमारे देश का नौजवान ठीक रास्ते पर है, और इन नौजवानों को अच्छी सीख देने की हरियाणा में आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि जब तक नौजवान तय नहीं करेंगे तब तक हरियाणा एक और हरियाणा भी एक। जी ने शहीद भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ बोला है, उन पर ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 1.5 घंटे की जो गाथा है वो आपको इस गाथा के द्वारा आप सबके सामने आने वाली है, इसलिए उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, तो उनके पिताजी आर्य समाज थे, बाबा उनके ग्रैंड फादर आर्य समाज थे, और उनकी शिक्षा लाहौर डीएवी स्कूल में। आप जानते हैं डीएवी किसके लिए करते हैं, हम इंडिया में। इनके बाबा आर्य समाज थे और पिताजी पूजा पाठ में विश्वास करते, ईश्वर में विश्वास करते, और इसलिए उनके रास्ते पर भी चले। लेकिन शहीद भगत सिंह इस नौजवान ने जब देश की स्थिति देखा तो वो ना आर्य समाज ही रहे, तो वो पीजा में विश्वास करने वाले रहे, वो इतिहास बाटे। स्वामी विवेकानंद भी इतिहास बाटी थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोग को पसंद करते थे। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि अगर आपको गीता सीखनी है, गीता समझनी है, गीता का ज्ञान प्राप्त अगर करना है तो कमरे में बैठ करके गीता की पुस्तक पढ़ करके गीता समझ में नहीं आएगी, खेल के मैदान में जाओ और बहुत खेलो, खेल के मैदान में जब जाओ तो बहुत खेलो तो सब गीता। जो आदमी समाज के बारे में नहीं सोचता, समाज के बल पर संपत्ति कमाने के बाद समाज का ध्यान नहीं रखता, उससे बड़ा कोई जोर नहीं। और इसलिए आप जब ये शहीद गाथा जब आप देखेंगे तो आपको इस सब बातें ध्यान आएंगे। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ज्योतिष्ठ से जागृत प्राप्त वरान्य बोधता, उठो जागो, युवाओं के लिए कहते थे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा संकल्प पूरा। इस संकल्प को पूरा करने का पूरा जीवन शहीद भगत सिंह रुके नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं थके, और देश की स्वतंत्रता के लिए राकेश योगी को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने इस फाउंडेशन की इनिशिएटिव, डायलॉग इनिशिएटिव फाउंडेशन की स्थापना की, और उसमें से जो करना चाहते हैं वो इस शहीद की जो गाथा है इसमें से वो सबको बताना चाहते हैं,
आप सब लोग चाहते तो मैं कभी शहीदी दिवस की मान्यता के प्रति सम्मान के प्रति चर्चा करते हैं।